आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, अक्टूबर के इलेक्शन इंशाल्लाह आखिरी में होगा, और विलास पाटिल वो तो किंग ऑफ भिवंडी है ही है, वो अपनी तैयारी, वो अपने पैसे के दम पे तो टिकट लेके आ जाएंगे। अच्छा, रशीद ताहिर अपना, वो अपना बोले मेरे को टिकट दिए तो भी लड़ूंगा, नहीं दिए तो भी लड़ूंगा। तो कल्याण वेस्ट क्यों आप लोगों ने चुना, मतलब वहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है इसके लिए? और भिवंडी के 8 लोग संपर्क में अपने, अच्छा छोटे मोटे लोग नहीं है, सब बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, तो बार बार कॉल करते कि अपने को टिकट चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन टिकट देना अपना काम नहीं है, सब साहब का काम है। अच्छा, तो वेस्ट में जो है ये बातें हो रही है कि खाली टिकट शायद हो सकता है वापस आए, क्योंकि AIMIM का बहुत बड़ा चेहरा है। कोई पार्टी जो जीत के आई आज तक कुछ की नहीं है जी, अपने को काम निकलवाने आता है। हाँ, क्योंकि अपने को ऐसा इलीगल काम तो चाहिए नहीं, जो भिवंडी के डेवलपमेंट का काम चाहिए, जो हेल्थ का काम चाहिए, जो एजुकेशन का काम चाहिए वही करवाना है। हम इंशाल्लाह स्कूल के लिए एजुकेशन लाइन के अंदर इतनी बड़ी स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ की तकलीफ ना हो। लोग टोरेंट से परेशान नहीं, उसके बिल से परेशान, कोई टोरेंट से परेशान नहीं, परेशान सिर्फ उसके बिल से। इंशाल्लाह जजमेंट तो दोनों तरफ का है। अच्छा, यहाँ का भी वहाँ का भी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अब भिवंडी के स्टूडेंट्स को लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी दिलचस्प। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कंप्लीट लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इक्विप्ड क्लासरूम और एक मॉक कोर्ट रूम भी बनाया गया है विद एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर फॉर द बेस्ट गाइडेंस ओनली एट आरबी लॉ कॉलेज मैनेज बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस नारपोली भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चुनाव का माहौल गर्म है और शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पार्टी जो है सामने आ रही है, अपना प्रचार कर रही है, लेकिन अब तक के किसी भी पार्टी से उम्मीदवारी कंफर्म नहीं हुई, उम्मीदवारी जो है जाहिर नहीं हुई कि कौन सी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा। इसी बीच में AIMIM ये भी खासदार के चुनाव में इन्होंने पहले फॉर्म भरा था, लेकिन कुछ वजह से जो है इन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन अब अपनी पूरी तैयारी के साथ में AIMIM मैदान में उतरने के लिए तैयार है इस विधानसभा के चुनाव में, इस असेंबली के इलेक्शन में। तो हमारे साथ में आज AIMIM के भिवंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रभारी है वो हमारे साथ में बैठे, अकरम खान, और इनसे बात करके जानेंगे कि क्या रणनीति है AIMIM की भिवंडी के विधानसभा चुनाव के लिए। तो अकरम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और पहली बार आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए तो आपका विशेष स्वागत है। तो थोड़ा सा बताइए कि AIMIM की क्या तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, अक्टूबर के इंशाल्लाह आखिरी में होगा, और ऐलान भी जल्द होने वाला है, तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है जी। और AIMIM की जो तैयारी है ना, भिवंडी के जो लोकसभा इलाके की 3 जगह हम अपन लड़ सकते हैं। अच्छा, जो कि इसके पहले भी लड़ चुके अपन 3 जगह, भिवंडी ईस्ट, वेस्ट और कल्याण वेस्ट। अच्छा, कल्याण वेस्ट, कल्याण वेस्ट में इंशाल्लाह लड़ाई जाएगा। तो कल्याण वेस्ट क्यों आप लोगों ने चुना, मतलब वहाँ पे मुस्लिम वोट ज्यादा है इसके लिए? मुस्लिम वोट भी ज्यादा है, लगभग 1 लाख वोट के करीब में मुस्लिम है वोट है। अच्छा, और उधर जीतने वाले को 60-65 हज़ार वोट लगता है। अच्छा, तो अगर इतना वोट है तो अपने को लड़ना चाहिए उधर, ऐसा मेरे को लगता है। इसके पहले भी लड़े थे, 12 हज़ार वोट मिला था लगभग। जी जी जी, तो मतलब ये 3 जगह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी किस चीज़ की करें, मतलब कि आप लोग पहले अपना रुझान बनाओगे कि कैंडिडेट ये करोगे, क्योंकि कैंडिडेट देखा जाए तो ना ईस्ट में नजर आ रहा है कोई, ना वेस्ट में नजर आ रहा है, और कल्याण तो समझो अभी दूर की बात है। कल्याण में भी अपने पास 2-3 चेहरे हैं जो संपर्क में है, और भिवंडी के 8 लोग संपर्क में अपने। अच्छा, छोटे मोटे लोग नहीं है, सब बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, जो बार बार कॉल करते कि अपने को टिकट चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन टिकट देना अपना काम नहीं है, सब साहब का काम है। अच्छा, अपन खाली है ना, किसी मतलब के बारे कैसे लोग है ये, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब भी है नहीं, मतलब कि जो दूसरी पार्टी से रिजेक्ट हो गए वो लोग आने वाले है, नहीं, कैसा जो, है? जो अपने आप को समझते कि मैं जीत सकता हूँ, बड़े बड़े लोग है। अच्छा, 8 लोग है, क्योंकि पिछली बार अमोल कमले जी ने हमारे को बताया था कि ऐसे लोग है, मतलब ऐसे बहुत किसको किसको टिकट मिलेगा बड़ी पार्टियों से, तो जो वहाँ से रिजेक्ट हो गए वो हमारे पास में, वो तो रिजेक्ट, अपने रिजेक्ट माल चलेगा ही नहीं AIMIM में। अच्छा जी, रिजेक्ट माल बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अगर जो अपने आप को लगाते हैं कि हम लोग यहाँ के जीत सकते हैं, उसको अपन टिकट देने की, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी, वेस्ट से भी। अच्छा, तो वेस्ट में जो है ये बातें हो रही है कि खालिद गुड्डू शायद हो सकते वापस आए, क्योंकि AIMIM का बहुत बड़ा चेहरा है, पिछले चुनाव में उन्होंने 44 हज़ार वोट लिया था, अब हो सकता है कि इस बार भी वो आए, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर खालिद गुड्डू साहब आएंगे तो इंशाल्लाह टिकट दिया जाएगा, लेकिन जेल से इलेक्शन लड़ना बोले तो मेरे हिसाब से ना वहाँ से टिकट मिलेगी और ना हिसाब से सही है। अच्छा, मतलब अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि चलो ठीक है मेरा इतना मतलब एक वर्चस्व है, तो
तो मैं यहीं से करके कंटेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से लोगों ने लड़ा है इलेक्शन, लेकिन ऐसा असद साहब का ऐसा वो नहीं है कि ये जेल से लगे इलेक्शन लड़े। अच्छा अच्छा, मतलब वो हाई कमांड से ये चीज़ें नहीं आई हैं। अच्छा ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आगे आते हैं कि आप लोग फिर चुनाव अगर लड़ोगे तो किन मुद्दों पर लड़ोगे, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत अहम होते हैं चुनाव के अंदर, और खास करके AIMIM जो कि हमेशा मुस्लिम वोटों को टारगेट करती है, तो इसके ऊपर फिर आप लोग क्या मतलब क्या सामने रखोगे, आप लोगों के सामने बात क्या रखोगे भिवंडी के अंदर? देखो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहली बात डेवलपमेंट के लिए भिवंडी में किसी के पास कुछ है नहीं, कोई पार्टी जो जीत के आई आज तक कुछ की नहीं है, और शिक्षा के नाम पे भी कुछ है नहीं। जब कोई कुछ नहीं है तो फिर आप लोग क्या कर लोगे? इसीलिए तो हम लोग आए हुए, अगर सब किए होते तो असद साहब भी नहीं आते इधर। जी जो कोई कुछ नहीं किया आज तक, इसलिए हम लोग आए हुए, नहीं तो आप लोग आने की जरूरत थोड़ी थी। आज अगर सब सही कर दे तो आप लोग को क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की? बिल्कुल, तो आपको वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्या कर लोगे, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से, या तो फिर हेल्थ के इसमें कुछ आप लोग ऐसा कर दोगे, या तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग कुछ नया चेंज कर दोगे? क्योंकि कैसा है कि देखिए अगर कोई एक कैंडिडेट जीतता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का भी सपोर्ट रहना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत सी बात होती है कि कैंडिडेट जो अकेला पड़ जाता है, सरकार जो चीज़ों को मान्यता नहीं देती, मतलब उसको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो इसके लिए मैं पूछ रहा था आपको कि फिर ऐसा क्या आप लोग कर दोगे? देखो इसका उदाहरण तो ये देता हूँ, हैदराबाद के अंदर अपनी 7 ही सीट है, 7 सीट के अलावा सीट नहीं है, लेकिन जो MIM बोलती है उतना चीफ मिनिस्टर खड़े होकर तुरंत हाँ बोलता है, और जो हाँ बोला सब हाँ है, कोई ना बोलते नहीं लोग। तो ऐसे इंशाल्लाह अगर जैसे कोशिश करेंगे, अगर 10 सीट भी 15 सीट भी अगर महाराष्ट्र जिता के देते हैं जी, तो इनके नाक में चना तो चबाई देंगे। अगर मैं आपको पता है कि जब आप इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे लोकसभा का, तो लोग है ना चाह रहे थे कि आपको सुने, और हमको नहीं पता था कि आप इतना बोलते हैं करके, तो ये तो मतलब हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी शॉकिंग है कि आप इतनी बात करते हो। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को बोलना नहीं आता है जी, अपन ना खानदानी पॉलिटिशियन है नहीं जी, तो वो हिसाब से मैं पॉलिटिकल कम बोलता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कोई अपने सामने बोल के चला जाए और अपन सुन के भी चले आएंगे, ऐसा भी नहीं है जी। अच्छा क्रम, एक सवाल है कि AIMIM जो है देखा गया है कि भिवंडी के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप हैं उनके, कहीं अलग कोई कोई अपनी एक लेके चल रहा है, कोई अपनी एक लेके चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन में भी हमने काफ़ी देखा है, क्योंकि आप खुद कैंडिडेट थे लेकिन आपके साथ में पूरा जो है AIMIM खड़ा नहीं था, मतलब कुछ लोग किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट करते थे, मतलब पार्टी का कैंडिडेट होने के बावजूद दूसरों को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो कैसा ना कि अगर जो पार्टी का अपने अंदर लोग बोले ना गुटबाजी है, ऐसा गुटबाजी नहीं, हर आदमी का अलग अलग चॉइस रहता है जी, क्योंकि हर पार्टी में ये सब है। अभी कांग्रेस के अंदर 4 लोग अलग अलग जगह, जो प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो मान नहीं रहे, मतलब रशीद ताहिर अपना वो अपना बोले मेरे को टिकट दिए तो भी लड़ूंगा, नहीं दिए तो भी लड़ूंगा। हाँ। और विलास पाटिल वो तो किंग ऑफ भिवंडी है, वो अपनी तैयारी, वो अपने पैसे के दम पे तो टिकट लेके आ जाएंगे। अच्छा, अलाम मोमिन अलग से बोले कोई दे टिकट नहीं तो लेके आऊंगा, मतलब कांग्रेस में भी कांग्रेस अपने वो लड़ने वाले वो लोग जी, और अपने इधर ऐसा नहीं है जिसको टिकट मिलेगी वो लड़ लेगा टिकट नहीं, लेकिन आपने एक पार्टी के कैंडिडेट को छोड़ के दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, वो भी MIM के बैनर तले ही, वो मैं आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती कभी ऐसा। अच्छा, तो आप मतलब आने वाले चुनाव में वो सारी चीजें वो सब नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो सब नजर नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं आपका कहना है कि कहीं ना कहीं AIMIM जो है सरकार से काम निकलवाने में सक्षम है जी, अपने को काम निकलवाने आता है, क्योंकि अपने को ऐसा इलीगल काम तो चाहिए नहीं, जो भिवंडी के डेवलपमेंट का काम चाहिए, जो हेल्थ का काम चाहिए, जो एजुकेशन का काम चाहिए, वही करवाना है, कोई ऐसा तो नहीं है घर का काम तो कराना नहीं होता। ठीक है, चलो एक एक लाइन में समझते हैं कि अगर हम लोगों को एजुकेशन में काम करना है, मतलब समझो आप अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत ली जहाँ पे AIMIM का जो है कैंडिडेट जीत गया, तो आप एजुकेशन की लाइन से क्या काम करवाओगे, क्या चेंजेस लाओगे, या कुछ ऐसा एक रिमार्केबल करोगे कि नहीं हाँ वाकई में अगर एजुकेशन में काम होता तो इस तरह, जैसे हम लोग जो है दिल्ली में देखते हैं अरविंद केजरीवाल जो जिन्होंने किया, तो आप ऐसा क्या कर लोगे थोड़ा सा? हम इंशाल्लाह स्कूल के लिए एजुकेशन लाइन के अंदर इतनी बड़ी स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, और जितने ये जो लॉ कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज है मास्टर डिग्री वाले, वो भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, जो कि MIM इसके ऊपर बहुत सक्षम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर समझो AIMIM जीत जाती दोनों तरफ से, मतलब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाती, तो क्या आप कहते हो कि भिवंडी का नक्शा बदल जाएगा? इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। और टोरेंट का क्या होगा? टोरेंट देखो भाले मामा तो बोला ही था जाने की 27 तक भगाई दूंगा जी, तो उसका भी देख लेंगे, नहीं तो हम लोग कोशिश तो नहीं करें, भगाने की जरूरत नहीं है उसको, उसके बाद लगाम लगाने की जरूरत है। अच्छा, कि वो कई लोग टोरेंट से परेशान नहीं, उसके बिल से परेशान है।
कोई कोई टोरेंट से परेशान नहीं है, परेशान सिर्फ उसकी बिल से। नहीं, क्योंकि क्योंकि हर चुनाव में देखा गया है कि टोरेंट जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, और हर नेता जो है, अभी हमने तो लोकसभा में भी देख लिया है ना, कि जब तक के टोरेंट का नाम नहीं ले लेगा तब तक के जो है उनका ऐसा लगता है कि भाषण अधूरा रह गया, उनका प्रचार अधूरा रह गया है ना। तो टोरेंट जो है ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आप भी जो है टोरेंट के नाम पे ही लोगों से वोट मांगेंगे? टोरेंट के नाम पे हम लोग वोट नहीं मांगेंगे, टोरेंट के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जो वोट मांगेंगे हम लोग डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ के ऊपर मांगेंगे। अच्छा, और हेल्थ का तो अपने पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे खुद का पर्सनल जी। क्या कर लेंगे आप हेल्थ में, क्या किस तरह से काम करवाएंगे? जितना भी महानगर पालिका का जो ये चल रहा है 17-18 तो खाली हेल्थ सेंटर चलते हैं, वो चलते नहीं है, वो खाली है, नाम मात्र है, कोई आता होता नहीं है उधर, और पब्लिक को भी कोई उसका फायदा नहीं है। IGM ना कोई डॉक्टर जाता है, और जो भी उधर पहुंचता है वो उसको भगाया जाता है, वहाँ से रिफर कर दिया जाता है जी, और कोई काम नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जितने MIM जीतेगी दोनों तरफ से, एक तरफ से जीते दोनों तरफ से जीते इंशाल्लाह, दोनों तरफ से वो भी अपन करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। आपका जजमेंट क्या लग रहा है कि मतलब क्या एक सीट पक्की निकालेगी, पक्का निकालेगी इंशाल्लाह? जजमेंट तो दोनों तरफ का है, अच्छा यहाँ का भी वहाँ का भी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको? पब्लिक है, हम मैं इलेक्शन नहीं लड़ने के बाद में भी थी ना। नहीं देखो, लोकसभा का एकदम अजीब वो था, वो लोगों ना इंडिया एयरलाइंस का चक्कर बहुत सवार था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ऐसा जी। इंडिया एयरलाइंस को पूरा मुसलमानों ने उड़ दिया, नहीं तो 15 दिन के बाद तोड़ दिया गया। अभी भी तो महाविकास आघाड़ी है, तो महाविकास आघाड़ी अभी तो फिलहाल तो है, लेकिन लोगों का रुझान वही रहेगा ना फिर, जैसे इंडिया एयरलाइंस में था तो वैसे महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि पार्टियां तो वही है। पहले BJP वर्सेस खाली इंडिया एयरलाइंस आघाड़ी चल रही थी, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में ना तो सब इनके एयरलाइंस टूट जाने वाला है भिवंडी की वजह से। अच्छा, टूट ही जाएगा वो तो। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कम से कम 20 लोग लड़ने वाले हैं भिवंडी में। अच्छा, मतलब कैंडिडेट ज्यादा है और पार्टी और लोग लड़ेंगे, टिकट कम है और लोग चाहते हैं लड़ना, क्योंकि लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है पार्टी को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हो सकता है भिवंडी एलायंस में नहीं लड़ा जाएगा, ये फ्रेंडली लड़ा। अच्छा ठीक है, अभी आपने बोला कि आप AIMIM की तैयारी दोनों तरफ से है, आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तैयारी है? जहाँ सरसा साहब बोलेंगे वहाँ से लड़ लूंगा। क्या बात है, मतलब जहाँ सरसा साहब बोलेंगे वहाँ से लड़ लूंगा। मतलब कल्याण में भी कुछ पड़ेंगे आप? नहीं, भिवंडी ईस्ट। अच्छा, भिवंडी ईस्ट या वेस्ट। अच्छा, अब मैं थोड़ी हैदराबाद जाऊंगा। नहीं, कल्याण की बात करता, आपने तीन बोले थे ना इसके लिए। कल्याण में, कल्याण के लोग है, तीन जन है। अच्छा अच्छा, तीन जन लड़ने के लिए रेडी है, तो आप ईस्ट या वेस्ट दोनों के लिए तैयार हैं? बोलेंगे वहाँ से लड़ूंगा। ठीक है ठीक है, तो मेरा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा अच्छा, तो एक आखिरी सवाल ये कि आप भिवंडी की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं AIMIM के जरिए? मैं भिवंडी की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने जो कुर्बानियाँ दी है उन्माओं के बोलने पर लोकसभा इलेक्शन में, और ये लोग ने वादा किया था कि आप विधानसभा में आना तो हम लोग आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे जी। तो अब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप हम लोग आ रहे हैं विधानसभा में, तो आप हम लोग का जम के साथ दीजिए, ये नहीं कि आप तुमको कॉर्पोरेटर में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, अब इसमें साथ दीजिए, हम जो भी काम है वो करके दिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अकरम खान, और अब इन्होंने तैयारी किया है AIMIM से, विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखना यह है कि क्या जनता AIMIM को दोबारा पसंद करेगी, जिस तरह से पिछली बार उन्होंने भिवंडी वेस्ट से 44,000 वोट मिले थे, तो इस बार देखते हैं कि क्या MIM जो है अपना पक्ष रख पाएंगी लोगों के सामने, लोगों को कन्विंस कर पाएगी अपने आप को वोट देने के लिए। तो हमारे साथ इसी बने रहे, और भी ऐसी चुनाव से रिलेटेड जो है हम आपको न्यूज़ लाते रहेंगे, ऐसी शख्सियत आपके सामने लाते रहेंगे। मैं फिरोज मीमन द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।